हेलो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इज ब्लॉग। हो चुकी मेरी शुरुआत और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आम की लौंजी। और आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आया ना पानी? मेरे तो आ गया भाई। तो आम का नाम ऐसा होता है ना कि पानी आ ही जाता है मुँह पर। तो बहुत कच्ची केरी खाओ, कैसी भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है। जूस बनाओ, कुछ भी बनाओ, अभी आम की सीज़न है तो एक आम से बहुत सारी रेसिपी बन जाती है। इसलिए तो बोलते हैं फॉलो करा जा आम। और यहाँ पे मैंने ले लिए दो आम और मैंने इनको धो के सुखा दिया अच्छी तरह से, ताकि इसका पानी निकल, पानी वानी सब सुखा दिया कपड़े से और छिल दिया ऐसे। और इसको छिलके निकाल के अब मैं ऐसे करूँगी कटिंग। और थोड़ा सा हार्ड हो गया था क्योंकि इसकी गुठली थोड़ी पक गई थी, पक्की हुई थी, ज़्यादा कड़क होती है गुठली, पक्का आम बन गया था पूरा। तो काटने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, तो फिर भी मैंने काट तो दिया है। और ऐसा नहीं है कि आप अपने आप भी लौंजी बनाने के साथ काट सकते हैं घर पे, और बाहर अगर कटवाना हो चार बचार के लिए तो बाहर से भी कटवा के ला सकते हैं। अगर नहीं हो घर पे सुविधा काटने की तो बाहर से भी कटवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो अच्छी तरह इनके पीस बनाऊँगी। अब मैंने काट दिया इसे, अब इसके पीस आपको जिस तरह से जो साइज़ में चाहिए, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे, जैसे पीस आपको चाहिए आप इस तरह से काट सकते हैं। मैंने तो इस तरह से काटे हैं, इसको लंबे शेप में भी काट सकते हैं। और इसे क्या है कि हम हमेशा से इस तरह से काटते आए हैं, तो मैं इस तरह से काटा है और बहुत इजीली कट गया ये। और बस अब मैं इसको बनाऊंगी। तो गाइस कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अभी आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो बीच में मैंने चैनल में वीडियो डालना कम कर दिया था, बंद कर दिया था, टाइम नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब मैं रेगुलर डाल रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा आपको किस तरह से वीडियो पसंद है। और यहाँ पे मैंने काट दिए हैं आम के पीसेस कर लिए हैं। और आप इस शेप में भी आम काट सकते हैं जैसे मैंने दिखा रही हूँ लंबे शेप में, और इस शेप में भी काट सकते हैं रेगुलर वाले में, तो स्वाद तो वही आएगा। और ये बच गई थी गुठलियाँ, गुठलियाँ आप दाल में, सब्ज़ी में, किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फेंके नहीं, इसे यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है जब दाल में पक जाती है ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ और अभी भी यही करने वाली हूँ। हाँ, यहाँ ले लिया मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया तेल, डाल दिया मैंने सरसों, राई, और डाल दिया मैंने खूब सारा सौंफ, सौंफ की जो खुशबू आती है ना गजब, डाल दिया हींग, और डाल दिया मैंने राई की कुरिया पीली सरसों। तो इससे क्या स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। और दो दो तीन लविंग डाली है, काली मिर्च दो चार डाली है, बस ज़्यादा नहीं। तो वैसे ही आम की जो तासीर होती है गर्म होती है, गुड़ की तासीर जो है गर्म होती है, तो उस हिसाब से हमें इसका बैलेंस मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बस मेरा मसाला पक गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वाह बहुत ऊपर तक खुशबू आ रही थी। तो यहाँ सैलू मेरे साथ बैठी हुई थी, तो सैलू ने बोला कि मैं भी डालूँगी। वो नहीं, मैं सैफ हूँ। मैंने कहा ठीक है आप सैफ हो तो आप भी डालो। तो वो डाल रही थी अपने हाथों से धीरे धीरे। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं सारे आम मसाले में, थोड़ा सा सेकना है, ज़्यादा नहीं भूनना है उन्हें। तो यहाँ पर बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी मसाले को, थोड़ा ऐसे चलाएंगे। कढ़ाई गर्म थी इसलिए मैंने कपड़े की मदद ली है, आप जैसा चाहो वैसा। अब यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स हो गया मसाला। अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा नहीं, स्वाद अनुसार जितना आप खाते हैं। और इसका बैलेंस भी मेंटेन रहना चाहिए, नमक का, मीठे का, तीखे का, सब चीज़। यहाँ पे दो मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन लगा दूँगी ताकि आम थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ गुड़ या मसाला डाल दूँगी तो गलेगा नहीं। और यहाँ पर मैं डालूँगी गुड़, गुड़ को मैं इसी तरह चाकू से क्रश कर रही हूँ पीसेस, तो ये गलने में जल्दी गल जाएगा। अगर पूरा डालेंगे तो नहीं गल पाएगा इतनी जल्दी। तो ये इस तरह से डालिए तो बहुत आसान रहेगा आपको भी। और यहाँ पे मैंने काट कर दिया है गुड़ को क्रश। और यहाँ पे मेरा दो मिनट हो चुका है, तो मैं इसे देख लूँगी चेक करके। तो मेरे आम थोड़े से गल चुके थे, अच्छी तरह हो गया था मतलब। और इसे ज़्यादा भी पकाना नहीं है, बहुत भी गलाना नहीं है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मेरे मसाले हैं। यहाँ पे डाल दिया मैंने हल्दी, एक चम्मच स्पून हल्दी डाल दिया है, दो चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया जो हम घर पे यूज़ करते हैं रेगुलर, वो गरम मसाला। और बस बाकी और मैं कुछ नहीं डालती ज़्यादा मसाला। और यहाँ पे इसको ढक्कन रख दूँगी, फिर से दो मिनट में मैं पकाऊँगी ताकि मसाले इसमें अच्छे से पक जाए, कच्चापन ना आए मसाले में। तो यहाँ पे मेरे दो मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा सा आम और मसाले का जो था टेक्सचर तैयार हो चुका है, अच्छी तरह मसाले इसमें भुन चुके हैं। अब थोड़ा सा इसे हिलाएंगे, मैं डालूंगी इसमें गुड़ जो मैंने क्रश करके रखा है साथ में। तो मैंने इसमें आधा किलो गुड़ लिया है क्योंकि मेरे को थोड़ा मीठा पसंद है, बहुत खट्टा भी नहीं है, और आम थोड़ी खट्टी थी तो गुड़ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और इसे मैंने मिक्स करूँगी थोड़ा सा। अब इसमें अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगा, देखो बहुत अच्छी से गुड़ मेल्ट हो चुका है।
और क्योंकि खट्टी भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि अचार में खाएंगे, पूरी में खाएंगे, रोटी में खाएंगे, दाल चावल में खाएंगे, बच्चे तो हर बच्चों को बहुत पसंद है हमारे घर पे। अभी मैं बना के रखूँगी, इसे स्टोर कर दूँगी फ्रिज में, 15-20 दिन आराम से चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा, मगर महीना भी चल जाएगा मगर फ्रिज में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छे से टेक्सचर तैयार हो चुका है, मेरी लौंजी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ। अब आप इसे चाहे महीने तक रखें, चाहे आप 2 महीना रखें, पर फ्रिज में रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा, मेरी कैसी लगी मेरी वीडियो, और इसी से साथ करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई होगी, आई होप, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कैसे कैसे वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ मुझे बताइएगा। यहाँ पे मेरी लॉन्जी हो चुकी है तैयार, अब मैं बस बच्चों को आज आज ही दूंगी खाने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।